कर सकते हैं। बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने इस वर्ष कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के अनुसार SECL ने 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो कि कंपनी की स्थापना से लेकर अभी तक किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। इस संबंध में कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने बताया कि SECL ने वार्षिक आधार पर 24.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है, जो कि किसी भी एक वर्ष में सर्वाधिक अभिवृद्धि है। इसी तरह देश के बिजली कारखानों को कोयला भेजने के मामले में भी SECL ने सर्वाधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड हासिल किया है। आप सबके साथ मिलकर के आज के लगभग एक साल पहले कुछ सपने देखे थे, हम सब ने उस सपने को बांटे थे और उस सपनों को साकार करने के लिए हमने कुछ संकल्प किया था, कुछ प्रण लिए थे। हम सबके लक्ष्य एक थे, हम सबका ध्येय एक था, हम सबका एक प्रण एक था कि हम लोग SECL को उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम के शिखर तक ले जाएंगे। आज जब वित्तीय वर्ष 22-23 समाप्त हुआ है, SECL उन सारी ऊंचाइयों के नज़दीक पहुँचा है। अपने कोयला उत्पादन में लगभग 17% से ज़्यादा का वृद्धि दर्ज करके 24 मिलियन टन से ज़्यादा का वृद्धि दर्ज करते हुए 167 मिलियन टन से ज़्यादा का उत्पादन किया है। OBR में आपने अप्रत्याशित वृद्धि 35% से ज़्यादा करके एक नया मुकाम हासिल किया है। पावर सेक्टर जो सबसे अहम भूमिका निभाता है देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, वहाँ पर भी आपने 10 मिलियन टन से ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आपने कोयले को संप्रेषित किया है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि SECL ने कोल इंडिया में भूमिगत खदानों के जरिए सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि SECL की गेवरा परियोजना देश में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र खदान रही। वहीं कुसमुंडा और दीपका खदानों का वार्षिक उत्पादन भी सर्वाधिक रहा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के विभिन्न खदान क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।